अगर वो मेरी बच्ची है तो तुम भी मेरे बेटे हो, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे साथ रुखसत किया था। अगर उसने कोई गलती की है तो मैं उसे डांटूंगा, समझाऊंगा। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तुम मर्द हो, औरत से ज्यादा अकलमंद हो, समझदार हो। बेटे का मान समझकर मैं तुम्हारे पास आया था, मगर तुम्हारी खुशी यही है तो पहले मैं उसकी बात सुन लेता हूं, फिर मैं आऊं। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे नहीं हाजी अब्बा, आप बैठिए। हाजी अब्बा, मैं नहीं चाहता कि आप रोज मुझसे सवालात करते रहें और मैं आपको उसके जवाब देता रहूं। आप यहां पे चल कर आए, आपके आने पर मैं खुशबख्त को माफ करता हूं, लेकिन इस उम्मीद पर कि आप घर जाकर उसको समझाएंगे कि वो आइंदा के बाद से कोई ऐसी नागवार बात ना करे जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आए। तुमसे वादा करता हूँ बेटा, तुम्हारे सामने अब जबान नहीं खोलेगी, तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगी। अरे बैठिए अजीबा, मैं चाय लेके आता हूँ। चाय पिए बगैर यहाँ से ना जाइएगा। मैं आता हूँ। क्या सब बेटियों के बाप दादा इतने ही मजबूर होते हों? अपने जिगर के टुकड़ों अपनी बेटियों का घर बसाना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है? ये हमारे अमाल होते हैं या आजमाइश? खुशबख्त की गलती है, उसको सख्ती से समझाना पड़ेगा। माना के अपने घर से रुखसत होकर दूसरों के घर के तौर तरीके, वहां का माहौल अपनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों की परवरिश करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा और तुम दोनों को आजजी, इंतजारी और बर्दाश्त करना सिखाया। लेकिन खैर, मैं तुमसे नाउम्मीद नहीं हूं। गलती इंसान से ही होती है और इंसान अपनी गलती से सीखता है। ये यकीन है कि तुमने आज जो सबक सीखा होगा
आइंदा उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तुम्हें रुखसत करते वक्त चंद बातें समझाना मैंने जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे कायदे और उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ हो। लेकिन आज जो कुछ मैं कह रहा हूं, इन बातों को अपने पल्लू से बांध लो। तुम मुश्ताक के साथ उसकी मर्जी से इस घर में घड़ी दो घड़ी के लिए तो आ सकती हो, लेकिन अगर इस तरह भेजी गई तो मैं तुम्हें इस घर में, इस घर की दहलीज को पार करने की इजाजत नहीं दूंगा। उस घर में तुम्हें अगर जूतों में भी रोटी मिले तो उसे अपनी इज्जत समझना। अब उसी घर में तुम्हारा जीना और मरना होगा। मैं मगरिब के बाद तुम्हें छोड़ आऊंगा। हजार अरमान थे मेरे दिल में तेरी दुल्हन के लिए। मुझे क्या पता था कि तेरे निकाह के दिन इस तरह जमीन पे बैठकर ये सब कुछ खाना पड़ेगा। माँ क्या कर सकते? कर तो बेटा बहुत कुछ सकते थे, बस तेरा अब्बा राजी हो जाता। माँ फिक्र ना करें, आप राजी हो गई है ना, मैं अब्बा को भी मना लूंगा। बेटा मुझे फिक्र तो तेरी दुल्हन की है, क्या सोचती होगी ये बिचारी कि न बाजा न ढोल न बाराती आए। वही बात है माम, आप भी यही चाहती थी ना कि अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद शादी करूं। हाँ बेटा ये तो है। तो फिर थोड़ा सा और इंतजार, जब हम इसे घर रुखसत करके लाएंगे ना सब हो जाएगा। और मुनीर को तो आप जानती हैं, उसे पता चलेगा मेरी शादी का तो फिर धूमधाम से मनाएगा। तेरी सब बातें ठीक है बेटा, लेकिन मेरा दिल एक बात पे बैठा जा रहा है। किस बात से? देख बेटा, मर्द औरत की शादी होती है कितना अच्छा दिन होता है वो, और निकाह के दिन दुल्हन सफेद कपड़े पहने तो ये तो बदशगुनी है ना। अरे असफर, हद कर दी है इस लड़की ने। मेरे मना करने के बावजूद भी ये रिक्शे में बैठ के अकेली चली गई। इतनी जिद्दी, इतनी खुदसर ये कब से हो गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ा लाड प्यार जताती है आयशा से, आज मुझे पता चल गया ये सारे ड्रामे थे उसके और कुछ भी नहीं। असफर मैं पीछे पड़ गई हूँ उसके? पापा ने भी उससे कहा कि छुट्टी कर लो, मैंने भी कहा कि अगर एक दिन नहीं जाओगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। जब से उसकी मंगनी हो गई है पता नहीं खुद को क्या समझने लग गई है, छोटे बड़े का तो लिहाज ही नहीं रहा उसे। अच्छा आप रहने दें, आप तो मुझे लग रहा है मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं, मैं खुद ही बात करती हूँ मायरा से। अल्लाह हाफिज। माँ कुछ नहीं होता इसका, सिर्फ बातें हैं ये। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे दुल्हन अब भी सफेद कपड़े पहनती हैं, कुछ नहीं होता। बेटा तू ही कोई रंगीन कपड़े पहन लेती, ऐसा सफेद चिट्टा रंग पहन कर आ गई। और मैं कोई दूसरे कपड़े नहीं पहन सकती थी। क्यों, तुझे कोई पाबंदी है? मैं ये इसके कॉलेज का यूनिफॉर्म है, और अभी आप ही कह रही थी कि अब्बा से छुप कर ये सब कुछ हो रहा है, अगर अब्बा मान जाते तो हम
छुप कर ये सब नहीं करते। हाँ, कमाले की वजह से सारी मुश्किल हो गई। अम्मा आप सब छोड़ें, आप ये बताएं कि आपको बहू कैसी लगी अपनी? चांद का टुकड़ा है, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। तू हंस क्यों रहा है? देखना पूरा गांव तेरी दुल्हन को देख के कितना खुश होगा। मैं इसको बहुत नाज से रखूंगी, पूरा एक महीना घर का कोई काम नहीं करवाऊंगी। तेरी बच्ची बहुत खुशकिस्मत है, तू, तुझे गुड्डू जैसा शौहर मिला है, और मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे तेरी जैसी बहू मिली है। हेलो मायरा, मैं सीमा बोल रही हूँ, नूर की भाभी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। वो मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि प्लीज नूर को अकेले वृक्ष में ना आने देना। अगर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना हो तो तुम उसे घर ड्रॉप कर दोगी? अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। पागल लड़की है ये भी कसम से। अम्मा की बातें सुन के मेरा मुनीर भाई से मिलने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन अभी तेरे बारे में मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मायरा का फोन है। बात कर लो। हेलो, क्या भाभी का फोन? क्या कहा फिर तुमने? थैंक यू यार मायरा, थैंक यू सो मच। मैं नबील के साथ। हाँ, वो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था और मैंने सोचा आज फिर टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ में। हाँ, मैं बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। क्यों, खैर तो है ना बेटा? अब जी अम्मा, सब खैर है। शाहनवाज मुझे निकलना होगा, मायरा मुझे घर ड्रॉप करेगी। चलो ठीक है फिर। बेटा अभी तो मैंने इसको नजर भर के भी नहीं देखा है और ना दिल भर के प्यार किया है, क्या जल्दी है तुझे? माँ आप फिर आ जाना, हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। अभी वैसे भी इसे जल्दी है और आपको भी घर पहुंचना है, कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा आपको ढूंढते ढूंढते नुस्सो खाला के घर पहुंच जाए। खुदा ना करे बेटा, वो तो गजब हो जाएगा अगर वहां पहुंच गया तो। हाँ चलें फिर। क्या तुम एक नंबर नहीं लेके दे सकते थे मुझे? वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, वहीं सेटल होगा, पाकिस्तान वापस भी नहीं आएगा। क्या वो चला गया? तो मैं मॉडल कैसे बनूंगी? तो भी अपने नाम कैसे बनाऊंगी मैं? उसमें कितना वक्त लगता है, मॉडल बनना है तुम्हें? मेरा एक दोस्त मॉडल है और तुम्हें यूं ले ले, चलते हैं उसके शूट पर मिलने उससे। यार अगर आपा घर ना आई होती ना तो मैं जरूर चली जाती, उनकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत बड़ा झगड़ा पड़ गया उनके घर पे। तुम ऐसा करो, पहले अपने आपा के जो झगड़े हैं ना निपटा लो सर, उसके बाद चलते। चलो मैं चलती। कहाँ जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। खुशबख्त बेटा, अब तुम्हें और अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाने हैं। खुशियां तो जिंदगी में आती रहेंगी, लेकिन अब तुम्हें अपने दिल से हर रंजिश भुलाकर उस घर में दोबारा कदम रखना है। कहां जा रही हैं आपा? अपने घर। कौन सा घर?
जहां से मैं धक्के देकर निकाला गया है। खामोश हो जाओ मेहर। आप उस घर में दोबारा नहीं जाएंगी अम्मी। पागल हो गई हो तुम? अरे इसका जीना मरना अब सिर्फ उसी घर में है। जरूर ये हाजी अब्बा के अल्फाज होंगे। आप माँ हैं इनकी, खुदा के लिए, खुदा के लिए उस घर में दोबारा भेजने से बेहतर है कि आप इनका गला दबा दें, मार देने जान से। देखा तुमने, देखा किस तरह कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है। मेरी तो ये सुनती नहीं। अरे बेटा तुम ही इसको कुछ समझाओ। इस कमबख्त ने उस दिन सलाउद्दीन के सामने भी खड़े होकर कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है अम्मी, और आपा आपको भी। आप दोबारा से वहां नहीं जाएंगी। मेरी जिंदगी का फैसला हो चुका है मेहर। मुझे तो हर हाल में उस घर में जाना है। मेरी प्यारी मेम साहब, मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ। आपसे इतना प्यार करता हूँ कि जबान से कहते हुए डरता हूँ। आप मुझे दुनिया में हर चीज से ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार जितना उमर ने मारवी से नहीं किया होगा, ससी से पुनू ने नहीं किया होगा। इसमें क्या लिखा है? पता नहीं। तो पढ़ तो ऐसे रहा है जैसे तुझे पढ़ना आता है। अरे हमारा तू छोड़ना इन बातों को। ये बता नुसरत खाला कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बच्चे, अब ठीक थी। तू ये बता तेरा अब्बा तो नहीं आया था? अरे अम्मा आज बड़ी ग्राउंड में मेला लगा हुआ है, अब्बा को शाम तक आने की फुर्सत नहीं है। बड़ा सख्त दिल है तेरा बाप, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, ऐसे नहीं कि उसकी मदद करा ले। अरे नहीं होता ये काम वहाँ मुझसे। तो तू करेगा क्या? नौकरी करूँगा, कुर्सी पर बैठकर करने वाली नौकरी। ख्वाब में करना ये नौकरी, तुझसे नहीं होगी ऐसी कोई नौकरी, ना तुझसे मिलनी है ये नौकरी। अरे क्या बात है, मैं कोसे जा रही हो, ताने पे ताने दिए जा रही हो। अब काफी नहीं था? ये भी नहीं देख रही तेरा छोकरा सुबह से भूखा बैठा है। माँ सदके जाए मेरा शहजादा, मैं अभी रोटी बनाती हूँ तेरे लिए। आलू भरता है, अचार के साथ खाएगा, मजा आ जाएगा। तीन बनाना? तीन नहीं, चार रोटी बनाऊंगी। कब तेरे मेम साहब के हाथों में लिखा है जाना मेरे प्यारे खत। कितनी खुश होगी मेम साहब जब तू उसके हाथों में जाएगा और मेरा पैगाम पहुंचाएगा। नूर जी, भाभी ये आज तुमने क्या हरकत की? भाभी मैंने क्या किया? तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारी वजह से सब कितने परेशान हो गए थे? पापा से मेरी फोन पर बात हुई थी, बहुत गुस्सा कर रहे थे, घर आके खूब खबर लेंगे तुम्हारी। नूर तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी खुदमुख्तार, इतनी खुदसर तो कभी भी नहीं थी। और एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूं, तुम्हारी ये खुदमुख्तारी नबील को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। जब लड़कियों के रिश्ते हो जाते हैं ना, तब ऐसी हरकतें नहीं की जाती। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए और तुम अफसोस करती रह जाओ। जा